दोस्तों, क्या आप बाइक राइड की शौक रखते हैं? क्या यू आर प्लानिंग फॉर राइड इन ए पहाड़? तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में पहाड़ में बाइक ले जाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा, क्या क्या आपको सीखना जरूरी है, क्या क्या आपको जानना जरूरी है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बाइक के बारे में बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। बेसिक नॉलेज बोले तो जैसे कि हमारा एक बॉडी होता है कि हमारा आज सर दर्द कर रहा है, मच्छर कटा है, भाई मच्छर कटा है, तो ये हमको सेंस हो जाते हैं। तो अपने बाइक को भी ऐसा, मतलब जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ, मेरा पीछे वाला या सामने वाला फोन या रियर टायर में थोड़ा हवा कम है, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सामने वाले टायर में हवा कम है, वो इंजन का कोई प्रॉब्लम हो, तो बिफोर इट गेट्स डैमेज आपको पता चले कि हाँ ये प्रॉब्लम हुआ है मेरा बाइक का, ये प्रॉब्लम दे रहा है, मुझे बाइक को तुरंत चेक करना चाहिए। तो ऐसा कुछ बेसिक नॉलेज आपको अपने बाइक का रहना चाहिए। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें बाइक का खुद से ठीक करने का क्षमता रहना चाहिए, जैसे कि क्लच कवेल हो या ब्रेक कवेल हो या चेन को टाइट लूज, क्लच कवेल टाइट लूज, तो ये सब बेसिक कुछ चीज़ें आपको खुद से करना आना चाहिए। क्योंकि आप जब पहाड़ में जाएंगे तो गैरेज रेयरली मिलते हैं, हर 10, 15, 20, 25 किलोमीटर के बाद आपको मिलेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, अगर 20 रास्ते में आपका बाइक में कुछ हो जाता है, अगर उस मेजर हो जाए तो दैट इज़ अनदर मैटर। और ये सब बेसिक चीज हो सकते हैं, कोई इसका गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा क्लास का ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही नहीं टूटेगा, या मेरा बाइक टायर ठीक है, पंचर नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं दे सकते, कभी भी हो सकता है। तो ये सब खुद को रिपेयर करना आना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद आपको बाइक के साथ क्या क्या कैरी करना है, जैसे कि आप लॉन्ग टूर में जाएंगे, लद्दाख हो या सिक्किम हो, अरुणाचल हो, भूटान हो, आप जाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बाइक का कंडीशन जो है बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। जाने से पहले आपके बाइक को थोड़ा इंस्पेक्ट करना है एक्सपर्ट के जरिए, यानी गैरेज में ले जाना है, इसको पूरा चेकअप करना है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इंजन ऑयल, उसके बाद जो जो रहते हैं सर्विसिंग में जो जो करते हैं, वैसे ही पूरा फुल चेकअप करना पड़ेगा। कुछ कुछ अगर कमी है तो उसको ठीक कर लीजिए बिफोर यू गो फॉर राइड, आपको ये सब चीज़ ठीक करना है। बाइक के साथ बाइक क्लास, एक क्लास केबल एक्स्ट्रा ले जाना है, क्योंकि क्लास बहुत यूज़ होते हैं। ब्रेक केबल ले जाना है, ब्रेक शो आपको जाने से पहले ही नया लगा के जाना है, बहुत पुराना है तो अगर ठीक ठाक है तो चलेगा, वहाँ पे जाने के बाद भी आपको समय मिलता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रिक्शन होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता है, तो इसमें थोड़ा आपको टाइम मिलेंगे। क्लास केबल आपको ले जाना ही है एक्स्ट्रा, जितना भी आपका क्लास केबल ठीक क्यों ना हो, नया क्यों ना हो, आपको एक्स्ट्रा ले जाना ही है क्लास केबल। सेकेंड आपको ब्रेक केबल, थर्ड आपको ले जाना है चेन सेट, आपका बाइक का चेन जितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको एक्स्ट्रा एक चेन सेट ले जाना ही है अगर आप पहाड़ में जा रहे हैं तो, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि पहाड़ में जाने से चेन में बहुत प्रेशर पड़ते हैं, तो चेन कभी भी टूट सकते हैं। क्लच केबल, ब्रेक केबल, चेन, ये तीनों आपको बाइक के साथ कैरी करना ही है कुछ भी हो जाए। और चेन को क्लीन तो करना ही है, जैसे कि ऐसे नॉर्मल रास्ता में हम 300-400 किलोमीटर्स के बाद हम चेन लूप करते हैं, क्लीन करते हैं, तो जब आप पहाड़ में जाएंगे आपको 100 किलोमीटर्स चेन लूप करना है, चेन लूप और चेन क्लीनर दोनों आपको कैरी करना है। वैसे तो बेसिक है, वो हर कोई कैरी करते ही हैं, क्योंकि ये तो चेन में लगाना ही पड़ता है। ये हो गया, आपको टायर पंचर किट कैरी करना है। आजकल मोस्ट ऑफ द बाइक तो ट्यूबलेस टायर के साथ आते हैं, तो ट्यूबलेस टायर का पंचर किट जो है आपको मिलते हैं, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, तो वो कैरी करना है। अगर आपके बाइक का टायर अगर ट्यूब टाइप है तो वो उसी के हिसाब से उसका किट कैरी करना है। और एक टायर एयर प्रेशर के लिए आपको एक टायर इन्फ्लेटर कैरी करना है। और ये सब लेकिन कैरी करने से नहीं होगा भाई, खुद को ठीक करना भी आना पड़ेगा, ऐसे ही कैरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये अगर आप इफ़ यू डोंट नो यू हैव टू लर्न इट, हाउ टू रिपेयर टायर पंचर, हाउ टू चेंज क्लच केबल, और इसको किस तरह टाइट करें, किस तरह ढीला करें, चेन को किस तरह टाइट करें, किस तरह ढीला करें, ये सब बेसिक नॉलेज आपको पहले गैदर करना है बिफोर यू गो फॉर राइड इन हिल एरिया। तो ये सब हुआ बाइक के बारे में। और एक बात, बाइक राइड कर रहे हैं आप बीच बीच में तो रुकेंगे ब्रेक के लिए, चाय पीने के लिए, कुछ फोटो लेने के लिए, जब जब भी आप रुकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक योर बाइक,
आपका ब्रेक सही है कि नहीं, चेन सही ठीक है कि नहीं, पम्प एयर प्रेशर ठीक है कि नहीं, ये सब आपको चेक करना है। तो ये हो गया बाइक के बारे में। अभी आते हैं आप किस तरह आपको बाइक कंट्रोल करेंगे ड्यूरिंग राइड। अगर आप पहाड़ में राइड कर रहे हैं, पहाड़ में क्या होता है, जो रोड होता है बहुत नैरो होता है, जैसे जैसे दो व्हीकल जा सकते हैं तो बीच में एक डिवाइडर होता है। हमेशा याद रखिएगा, कार ही ले जा रहा है या बाइक ले जा रहा है, वो जो बीच का डिवाइडर है वो क्रॉस नहीं करना है, हमेशा अपना साइड में चलना है। कुछ कुछ चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो पहाड़ में राइड करना सबसे ईजी है, आपको बहुत एंटरटेन भी मिलते हैं। तो बीच का जो डिवाइडर वो कभी क्रॉस नहीं करना है, अपने अपने साइड में ही चलना है। और जब क्रॉसिंग आते हैं, आप जब टर्निंग आते हैं, पहाड़ का टर्निंग बहुत बड़ा बड़ा होता है, क्या क्या बहुत कुछ नाम है मुझे इतना नहीं पता, ए यू टर्न, वी टर्न, ए टर्न, बहुत कुछ ऐसा है। तो हर एक टर्निंग में, टर्निंग छोटा हो या बड़ा, हर एक टर्निंग में आपको दो से तीन बार हॉर्न बजाना है, पूरा लंबा नहीं, दो बार तीन बार ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट, ताकि दूसरा साइड में अगर कोई गाड़ी हो स्लो करे। उसके बाद आते हैं ओवरटेकिंग। याद रखिएगा, पहाड़ में आप जब जा रहे हैं बाइक लेके या गाड़ी लेके, तुरंत ओवरटेक नहीं लेना है, टर्निंग में तो बिल्कुल नहीं लेना है, टर्निंग में ओवरटेक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है टर्निंग। आपको जितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, हमेशा याद रखिएगा टर्निंग में ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। आपको विजिबिलिटी, आपके सामने का विजिबिलिटी कितना है, अगर बाइक है तो सामने का विजिबिलिटी देखिए कितना दूरी में गाड़ी है कि नहीं, अगर नहीं है तो ठीक है, आपको पहले हॉर्न मारना, हॉर्न देना है और उसको टाइम देना है। पहाड़ में क्या होता है, हर कोई ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि जब भी उसको मौका मिलेगा आपको वो खुद साइड दे देगा, तभी आपको उसको ओवरटेक करना है, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों यही कुछ बेसिक बात थे पहाड़ में बाइक चलाने का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में जाके ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। जय हिंद।